Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel, English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, group discussion. इस वीडियो में हम क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में दिया गया 3.6 ग्रुप डिस्कशन इस चैप्टर को समझेंगे। नाउ ग्रुप डिस्कशन इज अ राइटिंग स्किल, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टॉपिक्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, देन सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। अ ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्मल डिस्कशन कंडक्टेड ऑन अ टॉपिक अमंग अ ग्रुप ऑफ 10 टू 12 पार्टिसिपेंट्स। The participants analyze the topic from their respective angles and present their views and opinions. Group discussion को हिंदी में समूह चर्चा भी कहा जाता है, जहाँ पर कि किसी एक टॉपिक को लेकर एक समूह में, एक ग्रुप में उस टॉपिक पर चर्चा होती है। अब एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हर पार्टिसिपेंट दिए गए टॉपिक को अपने दृष्टिकोण से देखता है और फिर अपनी राय, अपनी ओपिनियन रखता है। हर पार्टिसिपेंट को वहाँ पर फ्रीडम होता है कि वो अपनी राय रखे, उससे क्या लगता है। उन पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते या उनके साइड से नहीं बोल सकते, इनके साइड से नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो दे आर फ्री टू पुट देयर पॉइंट्स और पुट देयर ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ ऑल। The group is given a topic. They contemplate on it for a few minutes and then start discussions. The discussion is usually for 10 to 15 minutes. Experts listen to the members and evaluate them. जो group participate कर रहा है group discussion में, उस group को एक topic दिया जाता है। Now any topic can be given. अब topic कुछ भी हो सकता है। Topic can be political, social, cultural, anything related to anything. जो भी topic उस group डिस्कशन के लिए दिया जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर कुछ देर सोचते हैं उस बारे में और फिर डिस्कशन स्टार्ट होता है। जनरली जो डिस्कशन होता है वो 10 टू 15 मिनट्स तक चलता है और 10 से 15 मिनट में हर पार्टिसिपेंट को अपनी राय रखनी होती है। हर पार्टिसिपेंट को एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आपको 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात रखनी है और इस तरह से हर पार्टिसिपेंट को चांस मिलता है कि वो अपनी ओपिनियन रखे, उस टॉपिक के बारे में उनकी राय रखे। जब ये पार्टिसिपेंट्स अपनी राय दे रहे होते हैं तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो उनको सुन रहे होते हैं और उनके हिसाब से वो मार्किंग करते हैं, उनके उस हिसाब से उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। काइंड्स ऑफ टॉपिक। ग्रुप डिस्कशंस आर यूजुअली हेल्ड ऑन टॉपिक्स ऑफ 4 काइंड्स। जनरली जो टॉपिक्स दिए जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए वो 4 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज फैक्चुअल। एग्जाम्पल यहाँ जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है प्लास्टिक्स शुड बी बैन। फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक या तथ्यात्मक, जो फैक्ट पर बेस्ड हो। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे करप्शन इन इंडिया, ये टॉपिक है फैक्चुअल टॉपिक, या फिर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर ये टॉपिक दिया जा रहा है तो दिस इज ऑल्सो फैक्चुअल टॉपिक। सेकेंड काइंड होता है सोशल और पॉलिटिकल इशू, वो इशू जो सामाजिक है या तो फिर राजनीतिक है। सोशल इश्यूज में आ सकता है टॉपिक सच एज वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में वुमेन की क्या भागीदारी है। अब पॉलिटिकल इशू हो सकता है कि इस जनधन योजना सक्सेस, जो सरकार की योजना है जनधन योजना, क्या यह सक्सेसफुल रही है या नहीं। तो इस पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। और रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जो यूथ है उसका क्या रोल होता है। सो सच एग्जाम्पल्स आर सोशल और पॉलिटिकल। फिर सी अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स में जनरली प्रोवर्ब्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है। अब ये टॉपिक एक ग्रुप को दिया गया है कि इस पर डिस्कस किया जाए। अब कोई इस बात से एग्री करेगा या और कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू देयर ओन व्यूज दे कैन पुट देयर ओपिनियन। फोर्थ काइंड होता है केस स्टडी बेस्ड, वेदर ग्रुप डिस्कसेस अ केस स्टडी एंड एनालिसिस इट और ऑफर्स सॉल्यूशन।
केस स्टडी बेस्ड जो डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, वहाँ पर ग्रुप के सामने एक केस रखा जाता है। अब वो केस एक तरह की कहानी बनाकर रखी जाती है कि एक इंसिडेंट दिया जाता है कि उसके सामने इस तरह का प्रॉब्लम आया है, अब उसने क्या करना चाहिए या फिर ये जो हो रहा है वो सही है या गलत है। सो अब वहाँ पर उनसे या तो ये पूछा जाता है कि वो सॉल्यूशन बताए उस प्रॉब्लम का, या फिर उसको एनालाइज किया जाए। सो ये हो गए चार टाइप के टॉपिक्स जिन पर ग्रुप डिस्कशंस होता है। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन। एक किसी ग्रुप में डिस्कशन करते हुए हमें आना चाहिए, अब उसका क्या यूज़ है, ये हमें कहाँ काम आता है। ग्रुप डिस्कशंस आर वन ऑफ द इफेक्टिव इंटरेक्टिव मेथड्स ऑफ क्लासरूम लर्निंग। ग्रुप डिस्कशन को क्लासरूम लर्निंग में भी यूज़ किया जाता है। एक क्लास में कुछ बच्चों को बिठा दिया जाता है और उन्हें टॉपिक दिया जाता है कि इस पर डिस्कस करो। सो व्हेन दे डिस्कस दे लर्न डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन सेम टॉपिक। सो देयर इट इज़ यूज्ड, दे आर यूज्ड टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज और फॉर जॉब्स बाय एम्प्लॉयर्स। जब इंटरव्यू ली जाती है जॉब्स के लिए, तब भी वहाँ उस इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस हेल्ड किए जाते हैं। दे आर यूज टू गेज वेदर अ कैंडिडेट पजेसेस सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परसुइंग अ पर्टिकुलर कोर्स और अ जॉब दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग इन ग्रुप्स, गिविंग ओपिनियंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, किसी स्पेशल कोर्स के लिए एडमिशन लेना हो, तब भी वो लोग एडमिशन देने के पहले ग्रुप डिस्कशन लेते हैं कैंडिडेट से, या फिर किसी को अगर एम्प्लॉय करना हो तो एम्प्लॉयर जो जॉब देने वाला है वो भी ग्रुप डिस्कशन, द एम्प्लॉयर्स होल्ड ग्रुप डिस्कशन। अब ये ग्रुप डिस्कशन क्यों लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट है जिन्हें उन्हें कोर्स में एडमिशन देना है या जिन्हें उन्हें जॉब देना है, कि क्या उसमें कौन से स्किल्स हैं जो उस पर्टिकुलर कोर्स में या उस पर्टिकुलर जॉब में काम आएंगे। और वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या इस कैंडिडेट को ग्रुप में काम करना आता है या नहीं, क्या ये अपनी राय अच्छे से दे पाता है या नहीं, या ये अगर इसके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा या नहीं। सो ये सब देखने के लिए ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। द कैंडिडेट्स आर टेस्टेड फॉर देयर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल एज देयर एबिलिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एंड टू लीड अदर टूवर्ड्स कंक्लूजन्स एंड सॉल्यूशंस। ग्रुप डिस्कशन लेकर एक तरह से कैंडिडेट्स का टेस्ट होता है इस बात के लिए कि क्या उनके पास नॉलेज है, क्या उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है जिससे कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं या किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। Since communication is a two-way process, it is important that besides speaking, one listens to the participants in the group discussion and respond to their ideas or take them forward. Communication ये two-way process है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी है। Not only we are supposed to speak but also to listen. और अगर हमें किसी की कोई बात जो भी हम सुन रहे हैं हमें उसे अच्छी तरह से respond करते आना चाहिए। And you should remember कि जब हम group discussion कर रहे हो, हम agree हो या disagree हो, दोनों ही चीज़ें हमें बहुत ही politely सामने रखनी है। You can contribute to a group discussion in some of the following ways: helping it start, giving direction to it, making sure that everyone's views are heard and thought about so that the group moves towards some kind of agreement, and closing it with a summary or conclusion. Group discussion जब हम कर रहे होते हैं तो we should see कि हम उसे एक अच्छी start दे सके, उसे उस group discussion को हम एक अच्छा direction दे सके। And whenever we are in a group discussion, जब भी हम किसी group discussion में participate करें, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक के जो व्यूज है, हर एक की जो राय है उसे सुना जाए, उनके जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुँचे। और ग्रुप डिस्कशन को एंड करना है किसी एक समरी के साथ या एक कंक्लूजन के साथ, एंड दैट विल गिव अ प्रॉपर एंड टू ग्रुप डिस्कशन। हमें कहीं भी अपनी राय, अपनी ओपिनियन वायलेंटली सामने नहीं रखना है,
हमें ये हम ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला उससे एग्री हो. आवर जॉब इज़ टू प्रेजेंट आवर ओपिनियन एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. हमारा कोई भी वर्ड, हमारा कोई भी स्टेटमेंट किसी के इमोशंस को, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए. सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ग्रुप डिस्कशन के टाइम ध्यान में रखनी है. द लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशंस, यहाँ पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं जो कि हमें ग्रुप डिस्कशन में यूज़ करना है. नाउ दिस एक्सप्रेशंस आर वेरी पोलाइट, कहीं भी हमें बहुत वायलेंट नहीं होना है. सो हियर आर सम एक्सप्रेशंस यू कैन यूज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन. पहला है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन. अगर हमें अपनी राय रखनी है तो कैसे? आई बिलीव, मुझे विश्वास है. कुड आई मेक अ पॉइंट प्लीज़, क्या मैं अपना पॉइंट रख सकता हूँ? इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ. इन माई ओपिनियन, मेरी राय में. सो इस तरह से हमें अपने ओपिनियन सामने रखनी है. देन एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, जब हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कुछ पार्टिसिपेंट्स की राय से हम एग्री करते हैं, हमें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं. तो अगर हम उनसे एग्री कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल. आई फुली एग्री विथ यू, मैं आपके साथ पूरी तरह एग्री करता हूँ. या यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो. अब ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रुप डिस्कशन के हर पार्टिसिपेंट्स के साथ एग्री करें, कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ हम डिसएग्री भी कर सकते हैं, हमें उनकी राय पसंद नहीं आती है. सो ऐसे टाइम हम क्या एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं? आई एम अफ्रेड, आई डोंट एग्री विथ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ. आई कैन सी योर पॉइंट बट, मैं आपकी राय समझता हूँ पर, और फिर अपनी राय रखनी चाहिए. आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सॉरी, आई कांट गो अलॉन्ग विथ यू ऑन. हमें सामने वाले से कहना चाहिए कि आपने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, आपने जो अपनी राय रखी है, मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इस बात के साथ नहीं जा सकता. आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटल डिफरेंटली. अगर सामने वाले ने राय रखी है तो हम उससे एग्री नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई मैं इसे कुछ अलग तरीके से देखता हूँ. यू मे हैव समथिंग देयर बट, आप जो कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी पर, और फिर अपनी बात रखनी चाहिए. अगर ग्रुप डिस्कशन में हमें अपनी अगर कोई बात रखनी है, कुछ हमें सजेस्ट करना है, देन वी कैन से आई थिंक वी शुड, मुझे लगता है कि हमें ऐसे करना चाहिए. आई थिंक वी शुड, मुझे लगता है हमें ऐसे करना चाहिए. वाई डोंट वी, क्यों नहीं हम ऐसा करते. डोंट यू थिंक वी कुड, क्या आपको नहीं लगता है हम ऐसा कर सकते हैं. देन आस्किंग फॉर ओपिनियन, अगर हमें सामने वाले की राय लेनी है, सो वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑन, आपकी क्या राय है इस पर. आई वंडर वॉट डू यू थिंक अबाउट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं. वॉट डू यू फील अबाउट, आई वुड लाइक टू नो योर स्टैंड ऑन, मैं आपकी राय इस टॉपिक पर आपकी राय जानना चाहूँगा. देन इंटरप्टिंग, अगर हमें किसी की बात को बीच में रोकना हो तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट, मुझे बीच में रोकने के लिए माफ़ करें लेकिन. एक्सक्यूज़ मी, कुड आई एड समथिंग प्लीज़, हम सामने वाले को रोकते हुए कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ. दैट्स ट्रू, सॉरी बट, आप जो कह रहे हैं वो सही है, माफ़ कीजिएगा पर. इस तरह से हम सामने वाले को बहुत ही पोलाइटली रोकने की कोशिश कर सकते हैं. हैंडलिंग इंटरप्शंस, इंटरप्शंस जो अगर कोई बार बार बीच में बोल रहा है तो उसे किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि ग्रुप में कुछ लोग होते हैं जिन्हें बार बार बीच में बोलने की आदत होती है, तो उन्हें किस तरह से रोका जाए. जस्ट अ मोमेंट प्लीज, थोड़ी देर के लिए. इफ़ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, अगर आप मुझे अपनी बात ख़त्म करने देंगे तो. कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ. कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज़, क्या आप एक मिनट के लिए रुक सकते हैं. सो इफ़ यू सी, ये सभी एक्सप्रेशंस बहुत पोलाइट हैं. सो द बेसिक थिंग इज़ दैट यू नीड टू बी वेरी पोलाइट विथ योर वर्ड्स. कंक्लूड किस तरह से करना है? सो टू समराइज, कंक्लूड, या वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन. सो डिस्कशन को ख़त्म करने के पहले हम जो मेन आइडियाज़ हमें मिली है इस ग्रुप डिस्कशन से वो देख लेते हैं. तो इस तरह से हमें ग्रुप डिस्कशन को कंक्लूड करना है.
So this is all about group discussion. I hope you understood how to write it. Go through the video, watch it carefully, try to understand it, and even then, if you have any doubts, you can comment in the comment section. Thank you. Keep watching.